नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए आज लाए हैं त्रिफला चूर्ण बनाने का सही तरीका। ठंडी के मौसम में त्रिफला अलग रेशों की मात्रा में बनाया जाता है और आयुर्वेदिक में त्रिफला चूर्ण एक अमृत की तरह है। सबसे पहले हमने आंवला 150 ग्राम की मात्रा में लिया है। ये बेड़ा है, बेड़ा हमने 100 ग्राम की मात्रा में लिया है। ये हरड़ है, हरड़ हमने 50 ग्राम की मात्रा में लिया है। दस्ताने की मदद से हरड़ और बेड़े को हमने फोड़ लिया है और उसके बीज निकाल के रख लिए हैं। त्रिफला चूर्ण में बीज नहीं डाले जाते, इसीलिए हम नहीं डालेंगे। हमें सिर्फ ऊपर की परत ही चाहिए, तो हम उसकी ऊपर की परत ही ले रहे हैं। ये बेड़ा है और ये बेड़े के बीज है जो हमें नहीं चाहिए। अभी ये हरड़ है, हरड़ के ऊपर की परत हमने ले ली है। हरड़ के भी हमें बीज नहीं चाहिए, तो हम बीज उसके नहीं लेंगे, बीज भी हमें नहीं चाहिए। ये आंवला है, आंवला को हमने मार्केट से ख़रीद के लिया था, तो आंवला में भी बीज थे, हमने चुन के निकाल लिए। ये तीनों इंग्रेडिएंट तैयार हो गए। अब हम मिक्सी का एक जार लेंगे, जार में बारी बारी करके हम एक 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 पीस लेंगे और तीनों को दरदरा पीस लेना है। देखिए आंवला पीस गया है। आंवला में एक ऐसी प्रॉपर्टीज है, आंवला आपकी बॉडी में, आंवला शरीर में विषैले तत्वों को इकट्ठा होने नहीं देता। ये बेड़ा है, बेड़ा वात पीत और कफ अगर कम हो गया हो तो बढ़ा देता है और बढ़ गया हो तो कम कर देता है। ये हरड़ है, हरड़ एक रोग शक्ति की तरह काम करता है। फ्रेंड्स देखिए, अभी हरड़ भी पीस के तैयार हो गया है। अब हम मिक्सी में से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद बड़े से बर्तन में उसे तीनों को मिला के त्रिफला चूर्ण तैयार कर लेंगे। ये आंवले का पाउडर है, ये 150 ग्राम की मात्रा में लिया था, 150 ग्राम। ये 100 ग्राम बेड़ा है जो हमने अभी बेड़े का पाउडर बनाया है, उसे भी हम मिला लेंगे। और ये हरड़ का पाउडर है, उसे भी हरड़ 50 ग्राम था, 50 ग्राम ऊपर का कवर। बीज वजन में आप मत गिनिएगा क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर की परत ही चाहिए। एक एयरटाइट कंटेनर में भर लेते हैं। फ्रेंड्स याद रखिए, ये त्रिफला चूर्ण 4 से 5 ही महीने तक अच्छा रहेगा और बाद में ख़राब हो जाता है, इसीलिए आपको आवश्यकता हो उतना ही त्रिफला चूर्ण बनाइए। अभी पीने की विधि हम बताएंगे आपको। एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालना है। गर्म पानी जितना भी आप पी सके उतना गर्म पानी लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म मत ले लीजिएगा, नहीं तो आपका मुँह जल सकता है। फ्रेंड्स देखिए, त्रिफला चूर्ण गर्म पानी में कैसे पिया जाए उसका तरीका हमने आपको बता दिया है। त्रिफला चूर्ण रात के समय पीजिए। थैंक यू।